अभी हिंदी सत्र को स्टार्ट करते हैं। सभी का हिंदी सत्र में स्वागत है। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। हाँ, हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में जो चर्चा किया है वो स्वयं को समझने का प्रयास किया है। उसमें स्वयं को शरीर और स्वयं के को एग्जिस्टेंस के रूप में, मानव को स्वयं और शरीर के को एग्जिस्टेंस के रूप में समझने का प्रयास किया है। तो ये बात ध्यान में आई है कि मानव की आवश्यकताएं दो तरह की हैं, उनको पूरा करने का तरीका दो तरह की है, एक्टिविटीज दो तरह की है, रिस्पॉन्सेज दो तरह के हैं। तो एक जो वर्ड है वो मटेरियल वर्ड है, एक संसार है जिसको जड़ संसार कह रहे हैं और एक संसार जिसको चैतन्य संसार कह रहे हैं। चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरी होगी, जड़ की आवश्यकता जड़ से पूरी होगी। जब भी हम चैतन्य की आवश्यकता को जड़ से पूरा करने की कोशिश करते हैं तो जड़ की जो आवश्यकता है वो असीमित दिखाई देने लगती है और हम कितना भी जड़ सुविधाएं जुटा लें, अपने में दरिद्रता का भाव समाप्त नहीं होता बल्कि कई बार तो और बढ़ता चला जाता है। इन बिंदुओं पर पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी। एक और महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में ध्यान में आई थी कि अगर देखें तो जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जानने का मतलब है समझना, क्या समझना है, स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को समझना है। और जितना उसमें समझ में आ जाता है, जितना हमारे जानने में आ जाता है, उसको हम स्वीकारते हैं। उसको मानने की क्रिया कहाँ, स्वीकारने का क्रिया कहाँ। कई बार कई चीजें हमको समझ में भी नहीं आई रहती हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ अनुमान के आधार पर उसको स्वीकार लेते हैं। इसको मानने के, है ना, बिना जाने मानना कहा। तो अगर हम देखें तो हमारा मानना दोनों ही आधार पर होता है, जितना हमने जान लिया है उसके आधार पर भी मानना है, और कई बार हम जाने नहीं रहते हैं, कुछ अनुमान के आधार पर उसको मान लेते हैं। पहचानना कहा कि संबंध को पहचानना, मैं भी एक इकाई हूँ, आप भी इकाई है। जब मानव के बारे समझने का प्रयास कर रहा हूँ तो ये मानव को जानना है। मेरा और आपका संबंध क्या है, कौन कौन से भाव मुझे सहज स्वीकार है आपके साथ परस्परता में जीते हुए, उन भावों को जब मैं पहचान देखने जाता हूँ, समझने जाता हूँ, उस पर ध्यान देता हूँ, संबंध को पहचानता हूँ, पहचानने की प्रक्रिया में लगता हूँ, उसको पहचानना का। फिर उन भावों को स्वयं में सुनिश्चित करके परस्परता में व्यक्त करना, उसका मूल्यांकन करना, ये सब संबंध का निर्वाह करना। तो एक तरह से जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, इन चार एक्टिविटीज के बारे में चर्चा हुई, जिसमें जड़ में देखेंगे शरीर में और अन्य जड़ इकाइयों में, पहचानना निर्वाह करना तो सभी में होता रहता है, लेकिन ये जो जानना मानना की क्रिया है ये चैतन्य इकाइयों में। मानने की क्रिया पशुओं में, कई पशुओं में दिखाई देगी, जानने की क्रिया और मानने की क्रिया मानवों में दिखाई देगी। इन सबको हम सब अपने भीतर जांचने की कोशिश पिछले कुछ दिनों से कर ही रहे होंगे। ये सब भी चर्चा हुआ था कि जब हम सिर्फ मानना, पहचानना, निर्वाह करने के आधार पर चलते हैं तो मानना निश्चित नहीं रहता, समय समय पर अनुमान बदलते रहते हैं, मानना बदलता रहता है, उससे हमारा आचरण अनिश्चित होता रहता है। अगर किसी का भी आचरण जिसके साथ हम जी रहे हैं अनिश्चित है, तो उसके साथ कोई भी निश्चित प्रोग्राम बनाकर जी पाना आपके लिए कठिन होता है, वही आपके लिए एक बड़ी समस्या बन जाता है, चाहे परिवार में हो या ऑफिस में। लेकिन वहीं पर अगर जानना भी सुनिश्चित हो जाता है, जानने के साथ मानना, पहचानना, निर्वाह करना करने जाते हैं, हमारा मानना निश्चित रहता है, इसलिए पहचानना, निर्वाह करना निश्चित रहता है, इसलिए हमारा भाव, विचार, व्यवहार, ये सब निश्चित दिशा में चलता है, निश्चितता के साथ चलता है। इसी को कहा निश्चित आचरण से जीना। तो जहां जहां भी हमको आचरण में निश्चितता किसी के दिखाई देती है, स्वयं के अंदर दिखाई देती है, निश्चितता के साथ परस्परता में जीने के कार्यक्रम बना पाते हैं, तो इसी को कहा समाधान। तो समस्या से समाधान की तरफ बढ़ने के लिए हम सब में जानने की क्रिया का सदुपयोग होना, जिसके माध्यम से स्वयं को लेकर के संपूर्ण अस्तित्व तक को जानने का काम हो कर पाना, उस अर्थ में शिक्षा संस्कार सहयोगी है। शिक्षा संस्कार के माध्यम से हम जानने की क्रिया का सदुपयोग करते हुए जो समस्या है उससे निकल कर समाधान के डोमेन में रहते हुए जी सकते हैं, अर्थात ये जो अनिश्चितता भरा आचरण है उससे मुक्त होकर निश्चितता भरे आचरण के साथ जीने की तरफ गति कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे मुश्किल जो कदम है वो ये है
हमको ये बहुत आसानी से दिखता रहता है कि हमारे आसपास जो परिवार के लोग हैं या ऑफिस के लोग हैं या समाज के लोग हैं उनका आचरण अनिश्चित है, बहुत वेरिएशन है उनके निश्चितता, अनिश्चितता है उनके आचरण। लेकिन हमारा ध्यान बहुत कम जाता है अपने आचरण पर, अपने विचार पर, अपने भाव पर, जहां हम ये देख पाए कि वहां भी कुछ अनिश्चितता है, वहां भी निश्चितता का अभाव है। और इसका मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर समय हम अपने पर ध्यान ना देकर दूसरों पर ही ध्यान देकर जीने के अभ्यस्त हैं, इसलिए दूसरों में अनिश्चितता हमको ज्यादा दिखती रहती है और हम दूसरों की अनिश्चितता से शिकायत से भरे भी रहते हैं। इसके 50 उदाहरण हम परिवार में, ऑफिस में, समाज में देख पाते हैं। ये अभ्यास सब हम लोग 1 मई से शुरू किए हैं, पहले दिन से ही आपके साथ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कुछ अभ्यास हम ऐसा करें जिसमें हम अपने साथ बैठे, कुछ समय तो अपने साथ लगाना शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने पे ध्यान देना शुरू करें कि अपने में चल क्या रहा है। जब मैं किसी के साथ नहीं बैठा, अपने ही साथ बैठा हूँ, पूरा ध्यान अपने ऊपर है, किसी बाहरी दुनिया का इंटरवेंशन मुझ पर नहीं है उस समय, तब मैं मेरे अंदर की क्या स्थिति, आराम है, बेचैनी है, निश्चितता है, अनिश्चितता है। ये सबको देखने का स्टेप बाय स्टेप काम धीरे धीरे पिछले 10-12 दिनों में हम लोगों ने किया है, इसलिए आप देखेंगे तो धीरे धीरे हम जो बाहरी दुनिया को महत्वपूर्ण मानकर पूरा ध्यान उस पर लगाकर जीने के लिए जो अभ्यस्त हो रहे थे, धीरे धीरे अब ये बात ध्यान में लाने की कोशिश की जा रही है कि बाहरी दुनिया तो महत्वपूर्ण है ही, दूसरे लोग भी महत्वपूर्ण है, मैं भी महत्वपूर्ण, मेरी स्वयं की क्या स्थिति है वो भी महत्वपूर्ण है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है मेरे सुख से, तो उसको भी समझना है, उसको भी देखना है, उसको भी व्यवस्थित करना है सही समझ के आधार पर, वो भी एक मुख्य काम है। दूसरे व्यवस्थित हो जाए, दूसरे ठीक जीने लगे, वो भी एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन दोनों में देखने जाऊं तो प्राइमरी काम तो ये है कि मैं अपने में ठीक को सही को समझ लूं, स्वयं से लेकर संपूर्ण स्थिति तक मेरा भाव ठीक हो जाए, मैं स्वयं में व्यवस्थित हो जाऊं और निश्चित आचरण के साथ व्यवस्था में भागीदारी कर सकूं ताकि औरों के व्यवस्थित होने में सहयोगी हो जाऊं। उस अर्थ में हम लोग ये सारा अभ्यास कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जिसके तहत इन सब मुद्दों पर ध्यान गया था कि जब भी हम ये देख पाते हैं कि मानव में चैतन्य पक्ष भी है और जड़ पक्ष है, जड़ की आवश्यकता जड़ से पूरी होगी, वहीं चैतन्य की आवश्यकता चैतन्य से पूरी होगी, अर्थात चैतन्य की आवश्यकता सही समझ सही भाव से पूरी होगी, ये चैतन्य क्रिया है, जड़ की आवश्यकता जड़ वस्तुओं से पूरी होगी अर्थात भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होगी। तो शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए सुविधाओं की आवश्यकता है। जब भी हम दोनों को ठीक ठीक प्रकार से देख पाते हैं तो ये दोनों अलग संसार है, ये देख पाते हैं, दोनों की आवश्यकताएं अलग है, पूरा होने की क्रिया अलग है, ये सब देख पाते हैं। तब जाकर ये बात ध्यान में आती है कि जड़ वस्तु की आवश्यकता शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए है, तो उसको ठीक ठीक पहचाना जा सकता है कि कितने की आवश्यकता है। लेकिन जड़ संसार से जब भी हम चैतन्य संसार की आवश्यकता को पूरा करने जाते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम सम्मान जो कि एक चैतन्य इकाई की आवश्यकता है, चैतन्य है की आवश्यकता है, उसको जब भी हम सुविधा से पूरा करने जाते हैं तो अपने सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए कितने सुविधा की जरूरत होगी ये कभी निर्धारित नहीं हो पाता है। ऐसे ही सुविधाओं का प्रयोग करके हम अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करना चाहते हैं, कितने सुविधा से वो श्रेष्ठता सिद्ध हो जाएगी ये कभी तय नहीं हो पाते। दूसरों में हम अपनी स्वीकृति सुविधा के आधार पर बनाना चाहते हैं, कितने सुविधा के आधार पर हमारी स्वीकृति लोगों में बनी रह सकती है निरंतरता में ये कभी निश्चित नहीं हो सकता। इसलिए सुविधा की आवश्यकता हमेशा असीमित दिखाई देती रहती है, इतना ही नहीं एक क्षोभ भी अपने भीतर काम करता रहता है कि हमने तो अपने बच्चे को इतनी सुविधाएं दे रखी है फिर भी वो हमारी बात को नहीं स्वीकारता, अर्थात हमको नहीं स्वीकारता, हमारा सम्मान नहीं करता, हमने उसकी जिंदगी में कुछ किया है ये वो देख नहीं पाता, हमने तो परिवार के लिए सुविधा जुटाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं दिया, अपने सुख का भी ध्यान नहीं दिया, अपने पर जो काम करना था वो भी नहीं किया, परिवार की जो हर आवश्यक
सुविधा या अनावश्यक सुविधा उस पर ध्यान दिए बगैर मैं उसको जुटाता रहा, फिर भी लोग मुझे स्वीकार क्यों नहीं किए। मेरा ये मित्र है, इसके अब मुश्किल पर मैंने इतना ध्यान इसको उपलब्ध करा दिया, इतनी सुविधा इसको उपलब्ध करा दिया, आज ये मेरे से सीधे बात क्यों नहीं करता। तो ये सब भी हम सब लोगों को दिखाई देता रहता है कि हम ये जो चैतन्य की आवश्यकता है उसको जब भी सुविधा से पूरा करने जाते तो पूरा भी नहीं हो पाता, और अगर उसमें बहुत कुछ कर भी रहे तो भी अपने भीतर का क्षोभ जो है वो वैसे ही बना रहता, क्योंकि जड़ वस्तुओं से चैतन्य की आवश्यकता का पूरा होने का कोई प्राविधान कोई नियम है नहीं। इसलिए हमको सुविधाओं की आवश्यकता असीमित दिखाई देती रहती है। हाँ ठीक है, मेरे पास आ गया जी। तो ये बात हम लोग अभी तक आप लोगों के साथ प्रस्ताव के रूप में साझा किए हैं, आप सबने इस पर ध्यान दिया होगा और इससे जुड़ा हुआ कुछ अभ्यास भी आपके साथ साझा किया गया था, जिसको कि आपको अपने भीतर दिन भर कल रिफ्लेक्ट करना था। तो अब हम लोग उन अभ्यास को जो आप लोगों ने किया है कल, उस पर आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस और प्रश्नों को देंगे, उस पर चर्चा करेंगे अगले 15 मिनट। तो दीदी आप उस अभ्यास को लगा दीजिए जो आपने शेयर किया था जी। तो जिन भी साथियों का इस पर इस अभ्यास पे ऑब्जर्वेशन शेयर करना है या कोई प्रश्न है वो हैंड रेज करके अपनी बात करना शुरू कर सकते। जी नमस्कार सर, नमस्ते भैया। सभी भाई बहनों को नमस्कार। कल की जो असाइनमेंट थी वो काफी मेरे को लगता है डिटेल्ड असाइनमेंट है। उसके अंदर कोई लगभग 4 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर काम करने की जो है आवश्यकता थी। तो मैंने उसके ऊपर जो कुछ अपना ऑब्जर्वेशन मेरी थी मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी सी डिफरेंट थी तो मैं चाहूंगा कि इसको बात को आगे रखूँ। तो सर मैं ये पॉइंट वाइज ही इसको बात में करता हूँ डिटेल में। कपड़े जूते उपकरण वाहन घर आदि सुविधाएं सब कुछ अधिकता में लग रहा है। अगर मैं गलत नहीं तो हम लोगों ने जो कुछ भी इकट्ठा किया है शायद उससे काफी कम में भी अच्छे से गुजारा हो सकता है। मुझे ये नहीं लगता कि और अधिक चाहिए, अपितु इसके उल्टा मेरे को ये लगता है कि इन सब चीजों को बहुलता में इकट्ठा करते समय अपने सेल्फ वेरिफिकेशन का ध्यान नहीं रखा। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, सभी सुविधाएं शरीर के पोषण, शरीर के संरक्षण या शरीर के सदुपयोग करने के काम नहीं आ रहे। अभी तो उनमें से बहुत सी चीजें तो ऐसी पड़ी हैं जिनकी तरफ बहुत समय तक ध्यान भी नहीं जाता है। झाड़ पोंछ करने के अलावा और कोई उनका औचित्य नहीं लगता है। ये सब कुछ जो मैं देख पा रहा हूँ उसका कारण समझ का अभाव लग रहा है। जैसे जैसे मैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ वेरिफिकेशन, नेचुरल एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इत्यादि के कॉन्सेप्ट्स के साथ आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे को इस तरह का अनुभव हो रहा है जो मैंने अपने आप को इस स्थिति से कंपेयर किया। इस सारे परिदृश्य में जो मेरे को कमी नजर आ रही है वो है अपने ज्ञान की वृद्धि की कमी या संबंध जो है उसको समझने की कमी और संबंध जो है उसके अंदर हार्मोनी को लेकर आने की। क्योंकि अभी भी मेरे को लगता है कि बहुत कुछ करने के बाद, बहुत कंट्रोल करने के बाद भी कई बार फिसलन रहती है और रिएक्शन के भाव जो है वो बनते रहते हैं। लगता है धीरे धीरे अगर इसके ऊपर काम करे और उसके ऊपर मैं लगा रहा तो जीवन में और भी अधिक सार्थकता जो है उसको हासिल शायद कर पाऊंगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे को लगता है जब जागो तभी सवेरा। तो जैसे ही मैं इस वर्कशॉप के साथ जुड़ा हूँ तो इन सभी चीजों की तरफ अब शायद डिटेल में इतना ध्यान गया है। अंत में भाव यही बनता है कि फिजिकल फैसिलिटी सही समझ के अनुसार और बस जरूरत के अनुसार ही, क्योंकि जो कुछ बहुलता में इकट्ठा किया जा रहा है उसको समाज के दूसरे बाशिंदों की जरूरत के लिए भी छोड़ना चाहिए। सेल्फ का संबंध समाज और प्रकृति के साथ भी है। मैंने अपनी बात रखी है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भाई बहन इस समय जुड़े हैं उन सब का भी अनुभव मेरे समान ही हो। उनका अपना अनुभव जो है वो अलग से हो सकता है।
मैंने तो अपना भाव जो है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, जो कल की असाइनमेंट जो है उसको लेके मेरा ध्यान जो है इस तरफ बना। जी सर, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है आपका, आप गहराई से इन सब मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। जब भी हमारे ध्यान में आता है कि सुख प्रभाव नहीं है, स्वभाव है, तो सुविधा की संवेदना से जो सुख पाने का जो हमारा अभ्यास है उस पर ध्यान जाता है, इससे तो हो नहीं पाएगा जो सुख हम चाह रहे हैं। दूसरी बात, जैसे ही इस बात पर ध्यान जाता है कि स्वयं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं और सुविधा की आवश्यकता तो शरीर के लिए है, स्वयं के लिए नहीं, इसलिए जो स्वयं की आवश्यकता सुख है, सम्मान है, तो चैतन्य वस्तु प्रक्रिया से पूरा होगा, जड़ से नहीं पूरा होगा। जैसे इन दो बिंदुओं पर ध्यान जाता है तो हम सुविधा की आवश्यकता का ठीक ठीक घर में निर्धारण कर पाते हैं, और जैसे ही निर्धारण करते हैं, ये बात आज के दिन तो दिखती ही है, सामान्य से सामान्य परिवारों में भी, कितने कपड़े हैं उनके पास, सामान्यतः ज्यादातर लोगों को परिवार में पता ही नहीं रहता, कितने जोड़ी जूते हैं पता ही नहीं रहता। मोबाइल तो आदमी की आवश्यकता से, आदमी की संख्या से अधिक मोबाइल हो गए हैं घरों, और सिम कार्ड की बात करें तो शायद लोगों की संख्या की तुलना में दुगने से भी ज्यादा घरों में हो गए हैं, सामान्य से सामान्य घरों। तब चादर और बिस्तर की बात करें तो वो भी ऐसे इतनी चादरें हैं कि कुछ चादरें तो वर्षों सिर्फ रखी ही रहती हैं। बर्तन की बात करें तो जितने बर्तन हैं और जितने लोग हैं घर में और औसत घर में जितने पर मंथ गेस्ट आते हैं, उन सबका रेशियो मिलाकर देखें तो भी बर्तन उससे कई गुना ज्यादा हैं। तो धीरे धीरे ये बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं कि जैसे जैसे समझ पर ध्यान जाता है, अपने को और शरीर को अलग अलग वास्तविकता के रूप में देख पाते हैं, वैसे वैसे ये जो पहला मुद्दा है अपने घर में सुविधाओं की का जब भी आकलन करते हैं आवश्यकता से अधिक निकलता है, तो अब उसका सदुपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है, ये उसका अगला कार्यक्रम है। मैं अगर खुद कर सकता हूँ सदुपयोग तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे के सहयोग से उसका सदुपयोग हो सके और भी अच्छी बात है। अभी जो दूसरा पक्ष है जिसपे आपने कहा कि अब जो महत्वपूर्ण एरिया पर ध्यान जाता है, एक बार सुविधा आवश्यकता से अधिक है अपने पास दिख जाने से, ये जो बार बार व्यवहार में संबंध में रिएक्शन हो रहे हैं, वो मेरे लिए और परिवार के सदस्यों के लिए दुख का एक बड़ा कारण है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने ध्यान दिलाया है। और रिएक्शन शरीर तो कर नहीं रहा, रिएक्शन तो सेल्फ से शुरू हो रहा है, शरीर के द्वारा बाहर व्यक्त हो रहा है। ये बात जब ध्यान में आता है तो हम अपने सेल्फ पर और ध्यान देते हैं, कल्पनाशीलता पर ध्यान देते हैं, भाव विचार पर ध्यान देते हैं, और ये रिएक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, उसका जड़ कहाँ है, उस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो या धीरे धीरे ये जो आप लोग अभ्यास कर रहे हैं इसमें उसी दिशा में बढ़ेंगे, तो अभी तक जितनी चर्चा हुई है उसमें आपकी एक अच्छी गति है, आगे भी ये यात्रा ऐसे ही जारी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके साथ। धन्यवाद भैया, जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी को नमस्ते नमस्ते। सर। ऐसे लग रहा है कि ज्ञान के अभाव से हमने संग्रह तो बहुत कर लिया, और सेल्फ में ज्ञान के आधार पर हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे, और सेंसेशन और इन संवेदनाओं से अस्वस्थ होते रहते हैं। और काम तो ज्यादा हमारा, हमें अपने नोइंग को बढ़ाने का, जानकारी को बढ़ाने का होना चाहिए था, और संग्रह इतना है कि किसी भी चीज का सदुपयोग भी नहीं हो पा रहा। ये भी बात है कि संग्रह करने के बाद सदुपयोग हो जाए वो भी नहीं हो पा रहा। तो अंदर भी बहुत सारा जो उपयोगी चीजें नहीं है वो भी अपने सेल्फ के अंदर भी है, उनका भी नहीं सदुपयोग हो पा रहा, यानी कि उनकी यूटिलिटी भी बेकार है, तो वो भी इरेज करने का काम है। तो काम तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब हम इन चीजों के ऊपर जानकर समझने लगते हैं, तो स्थिति थोड़ी सी ऐसे ही रहती है फिर, क्योंकि अवस्था में बने रहना जरूरत से ज्यादा चीजें हैं, और सेल्फ में भी जरूरत से ज्यादा ही अनुपयोगी बहुत सारी सेंसेशन और आश्वासन को दबा के रखे बैठे रहते हैं हम लोग। पर उसी उसी से जो ज्ञानता का बढ़ाव है वो हो नहीं पाता,
उसकी निरंतरता रहती नहीं है, तो हैप्पीनेस की निरंतरता कहाँ पर आएगी सर? मेरे को तो कुछ यूएचवी में आने के बाद कुछ ऐसा ही समझ आया कि हमने अपने ज्ञान को तो बढ़ाया नहीं कभी भी, ऐसे लगा वो दुनियादारी की जो जरूरतें हैं उनकी चीजों पर ही ध्यान दे के अपना समय, सारा समय का भी सदुपयोग नहीं करा सर हम लोगों ने, तो ऐसे लगता कोई जहां निश्चितता थी नहीं उसका ही कलेक्शन करते रहे, अनिश्चितता को ही हम कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ऐसे लग रहा है अनावश्यक भार को बोझित होकर घूमे फिरते रहते हैं, वही बेहोशी वाली स्थिति, पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं। ऐसी स्थिति से जब हम निकल के यूएसए में एंटर होते हैं तो शायद थोड़ा सा तो समझ बढ़ता है और कार्य प्रगति पर है, आगे देखिए कहाँ तक पहुंचते हैं। जी, तो अच्छी जी बात है, इन सब चीजों पर हमारा और गहराई से ध्यान जा रहा है। तो जी अभी देखेंगे तो सुविधा हमारे लिए सुख का कारण भी नहीं है और दुख का कारण भी नहीं है, अगर समझ पर काम हो जाए तो। हाँ जी, समझ पे काम का हो जाए ना तो सुख बहुत मूल रहे थे। सारी। अब अगर जी ये दिख गया है कि सुविधा हमारी आवश्यकता से अधिक है तो कई बार हम दुखी और बेचैन होने लगते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान में आ जाए कि ना तो सुख का कारण है ना ही दुख का कारण है, जी बल्कि सुखी दुखी हम इसलिए हो रहे हैं, पहले भ्रम बस उससे सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अभी दुखी इसलिए जी हो रहे हैं क्योंकि सेल्फ उसका सदुपयोग नहीं देख पा रहा है। हाँ दुख जी 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 का कारण सुविधा नहीं है, हम उसका सदुपयोग नहीं देख पा रहे हैं इसलिए हम दुखी और बेचैन हो रहे हैं। तो उसका सदुपयोग कैसे होगा, उस पर अगर ध्यान देकर, है ना, उसका उसको देख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो उसका सदुपयोग कर पाएंगे हम और उस बेचैनी से भी बच पाएंगे जो हमारे भीतर हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये बात तो ठीक है कि अभी तक हमको इस मुद्दे पर ध्यान नहीं गया था कि सुख स्वभाव है या प्रभाव है, अभी ध्यान गया है, धीरे धीरे उस पर ध्यान गया है कि मैं सेल्फ और बॉडी दोनों हूँ, सेल्फ की आवश्यकता तो सही समझ सही भाव से पूरा होगा और समझने के लिए स्वयं से लेकर इंटायर एग्जिस्टेंस है, इस पूरे के व्यवस्था को समझना एक महत्वपूर्ण काम है और हमारा सुख इससे सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये बात अब ध्यान में आ गई है तो हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे, अपने सुविधा की कमाने की आवश्यकता कितनी है उसको भी चिन्हित करेंगे, तो प्रतिदिन बहुत सारा समय बचने लगता है, जो तो एक्स्ट्रा कमाने का लोड था हम पर वो कम होने लगता है, प्लस बाजार से जा जाकर हर बार जो अननेसेसरी सुविधाएं वो खरीदने में समय लगाना पड़ता था वो भी बचने लगता है। तो बहुत बच हम वीकली मार्केटिंग का प्रोग्राम बना पाते हैं, मंथली मार्केटिंग का प्रोग्राम बना पाते हैं, उससे मार्केट रोज रोज जाने का बहुत सारा समय बचता है हमारा। साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं उसका सदुपयोग सुनिश्चित करने जाते हैं, तो हम अकेले तो कर नहीं पाते, बहुत सारे साथियों का उसमें सहयोग लेना पड़ता है, जितनी सुविधा हमने जुटा ली तो सुविधाओं का शेयरिंग का भी काम होने लगता है, तो वो उसका संरक्षण भी करते हैं जो सदुपयोग करते हैं। तो घर में जो बहुत सारी सुविधाएं आपने रख रखी है, कई बार आपको उसके संरक्षण में ही बहुत सारा समय लगाना पड़ता है, उसको झाड़ने में, पोछने में, खराब ना हो इसको ध्यान देने के लिए, लेकिन एक बार आप शेयर करके उसका सदुपयोग सुनिश्चित करते हैं तो दूसरे भी उसका संरक्षण में सदुपयोग करने सहयोग करने लगते हैं। तो आप देखेंगे जी कि आपका बहुत सारा समय सुविधा के नाम पर जो जा रहा था मार्केटिंग करने में, उसके लिए धन कमाने में, उसको संरक्षित करने में, फिर उसका दिखावा करने में, फिर दूसरे दिखा देते हैं आपसे अधिक सुविधा आपको, तो उससे अपमानित हो जाने में, बेचैन हो जाने में, ये बहुत सारा एक लूप जिंदगी में फंसा हुआ था, जिससे ऐसा लगता था जिंदगी में, या लगता है कि जिंदगी में समय कम पड़ता है, क्योंकि जिंदगी के समय का मैक्सिमम हिस्सा उसमें चला जा रहा है। अब एक बार ये सारी बातें ध्यान में आती हैं तो इन सबको हम धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारा समय अपने पास निकलता है, जिसका सदुपयोग हम अपने को समझने में, इंटायर एग्जिस्टेंस को समझने में, संबंध को समझने में, उसका अभ्यास करने में लगा पाते हैं और निरंतर सुख की दिशा में और अच्छी गति कर पाते हैं। तो इस दिशा में और अच्छी गति के लिए आपके लिए शुभकामना है दीदी। नमस्ते, धन्यवाद भैया, नमस्ते सभी को। सर इसमें ये ग्राफ भी बहुत सही रहता है कि हम अपनी जो एक अपनी लाइफ का एक एवरेज देखें
उसमें हम अधिकतम समय इसमें ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी, ये और बात वो बहुत, हाँ बहुत जी ज्यादा ऐसे लगता है टिकर करती है कि हम अपनी जिंदगी का बहुत समय इन चीजों पर बर्बाद करते हैं, जबकि हमें ज्ञान को बढ़ाने में उतना इस्तेमाल करना चाहिए था और आलतू फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल समझ बढ़ाते हैं अपने। बिल्कुल। और अब मुझे लगता है उस पर बहुत परेशान होने की भी बहुत जरूरत नहीं है, बल्कि हाँ जी, आगे समय कैसे तो हम निकल ही अपने गया को हुआ है हमारा। व्यवस्थित, हाँ आगे जी अपने को कैसे व्यवस्थित करके आगे बढ़ा जाए, है ना, जी उस जी पर जी अगर काम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे रास्ता निकलेगा। जी जी धन्यवाद। नमस्ते। ठीक है, तो उस पर दो लोगों के ऑब्जर्वेशन आज आए हैं, चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, फिर और लोगों के हैंड रेज होंगे तो उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इन मुद्दों पे हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में चर्चा किया था, चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो अगर अपने पर ध्यान दें तो जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हम लोगों ने अभी तक बनाया वो ये बनाया कि अगर मैं अपने पर ध्यान दूं तो मैं सेल्फ और बॉडी दोनों का को एग्जिस्टेंस, बॉडी अपने आप में एक अलग तरह का वर्ड है, सेल्फ अपने आप में एक अलग तरह का वर्ड है। उस बॉडी को कहा जड़ संसार पूरा, इसकी आवश्यकताएं जड़ वस्तुओं से पूरी होती। सेल्फ को देखने जाता है, उसको कहा ये चैतन्य संसार है, इसकी आवश्यकताएं चैतन्य क्रियाओं से पूरी होती। और अब अगर इन दोनों के बीच के ट्रांजेक्शन को देखने जाए तो सेल्फ और बॉडी दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं, कितना भी स्वादिष्ट खाना खाता हूं उसकी रीच सिर्फ बॉडी तक है। जो तो संवेदना होती है स्वाद से, उसके स्वाद का संवेदना पैदा होती है, वो अपने आप में एक सूचना है। सेल्फ सिर्फ उस सूचना को पढ़े या ना पढ़े ये सेल्फ निर्णय पूर्वक तय करता है। सेल्फ को तो सिर्फ आपने कोई स्पेसिफिक टेस्ट की वस्तु खाई है, उसके स्वाद की जो संवेदना है, उसकी जो सूचना है वो मिलता है। सेल्फ को आपके स्वादिष्ट भोजन का कोई भी फिजिकल कंटेंट नहीं जाता। तो अब देखने जाए तो ये बात ध्यान में आती है कि जितना भी फिजिकल चीजें हम इनटेक ले रहे हैं वो तो मैक्सिमम जो उसकी रीच है वो बॉडी तक है। सेल्फ और बॉडी के बीच में कोई भी फिजिकल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, चाहे हम कुछ खा रहे हैं या कुछ देख रहे हैं या कुछ सुन रहे हैं या जो भी पांचों सेंसरी ऑर्गन है उससे जो भी इनपुट ले रहे हैं, उससे जो भी फिजिकल ट्रांजेक्शन हो रहा है वो तो सिर्फ बॉडी तक हो रहा है। आगे तो सिर्फ सेल्फ और बॉडी में सूचना का ही ट्रांसफर होगा। तो मेरे सेल्फ को कुछ सूचना मिलती है कि इस तरह के संवेदना का कोई इनपुट शरीर तक आया है, सेल्फ ने उसको अच्छा मान रखा है तो उससे एक्साइटेड हो जाता है, खराब मान रखा है तो बेचैन हो जाता है। दूसरा व्यक्ति का मानना अलग है, तो जिस चीज से आप बेचैन हो रहे हैं दूसरा आदमी उससे एक्साइटेड भी हो सकता है, और जिस चीज से वो एक्साइटेड हो रहा है तो उसको आपने खराब मान रखा है तो आप बेचैन भी हो सकते हैं। तो धीरे धीरे ये पता लगता है कि जो सूचना है वो तो दोनों को एक ही तरह से मिल रहा है, उस सूचना को आपने और दूसरे ने क्या मान रखा है उसके आधार पर आप एक्साइटेड या बेचैन हो रहे हैं। तो कोई म्यूजिक सुन रहे हैं आप, अगर आपको स्लो म्यूजिक पसंद है अर्थात आपने स्लो म्यूजिक को अच्छा मान रखा है, तो स्लो म्यूजिक सुनते समय आपके सेल्फ की जो सूचना लेता है बॉडी के माध्यम से उसकी स्थिति अलग बनती है। दूसरी तरफ दूसरे आदमी ने ना फास्ट म्यूजिक को अच्छा मान रखा है, वो अगर स्लो म्यूजिक की सूचना को ग्रहण करता है शरीर के माध्यम से उस सेल्फ की स्थिति अलग होती है। तो धीरे धीरे यह दिखता है कि म्यूजिक का जो ध्वनि है, जो वेव है साउंड का, वो तो दोनों के ही कानों तक, शरीर के स्थिति तक तो एक ही जैसा पहुंच रहा है, लेकिन उस म्यूजिक को लेकर जो मानने की स्थिति है उसके आस्वादन की वो दोनों के सेल्फ में अलग अलग है। तो एक उसी म्यूजिक के साथ एक्साइटेड फील कर रहा है, दूसरा उसी म्यूजिक के साथ डिसहार्मनी फील कर रहा है। तो धीरे धीरे इन सब बातों को अपने भीतर और ध्यान देकर देखेंगे
ये निष्कर्ष ठीक से अपने अंदर देख के बना पाएंगे कि सेल्फ और बॉडी दोनों हैं और दोनों में सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो शरीर में कुछ गतिविधियां हो रही हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करते समय शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो भी इंद्रिया है उसके माध्यम से और उसकी सूचना को हमारा सेल्फ रीड कर, साथ ही साथ डिसीजन सारा सेल्फ में हो रहा है और फिर वो इंस्ट्रक्शन फाइनली बॉडी को पास किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी में एक्टिविटी हो रही है और बॉडी जो है बाहर कुछ क्रियाओं को कर रहा है। तो हमारे सेल्फ में चार तरह के, भोजन करते समय थाली में चार तरह के डिशेस को देखा, हमारी आंखों के माध्यम से इंस्ट्रक्शन आई, उसको सेल्फ ने चारों के बारे में जो इनपुट लिया उसके आधार पर क्या अब सेल्फ में डिसीजन होता है। आंखें नहीं डिसाइड करती कि चारों में से क्या खाना है, पहले सेल्फ ने डिसाइड किया कि चारों में से इसको पहले खाते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शन बॉडी को पास हुआ, फिर बॉडी चारों में से जिसको भी खाने का सेल्फ ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसको उठाने के लिए हाथों को संकेत जाता है सेल्फ के माध्यम से, फिर वो पर्टिकुलर डिश आप जीभ तक ले जाते हैं, फिर जीभ के पास मुंह में कुछ हलचल होती है, कोई संवेदना पैदा होता है, उसको वापस फिर सेल्फ रीड करता है और अगर उसके अपेक्षित आस्वादन से मैच करता है तो वो एक्साइटेड होता है, नहीं मैच होता है तो डिसहार्मनी में जाता है। तो अब आप ध्यान देंगे तो इस पूरी प्रक्रिया को देख पाएंगे कि कौन सी प्रक्रिया बॉडी में हो रही है, कौन सी सेल्फ में, कब बॉडी में जो संवेदना हो रही है उसको सेल्फ रीड कर रहा है और कब सेल्फ में डिसीजन बन रहा है, कब वो उसके आधार पर इंस्ट्रक्शन बॉडी को दे रहा है और फिर उसके आधार पर बॉडी के अंग प्रत्यंग में गतिविधियां शुरू हो जा रही है, एक्टिविटी शुरू हो जा रही है। ये सबको अब हम अपने भीतर ध्यान देकर देख सकते हैं, आगे इसको और डिटेल में भी देखेंगे। इतना अगर ठीक से हम देख पाते हैं तो ये दिखता है कि मानव में दो तरह का संसार है, दो तरह की वास्तविकताएं हैं, सेल्फ और बॉडी। उसको और बारीकी से देखें तो ये दिखता है कि ये शरीर भी है मैं भी हूं, हाथ पैर नाक कान आंख इन सबका ये जो कॉम्बिनेशन है शरीर ये भी है और मैं भी हूं, ये दोनों ही वास्तविकताएं एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर है और मैं नहीं, मैं भी हूं और ये शरीर भी है, ये दोनों ही वास्तविकताएं हैं और दोनों ही है, मैं हूं मेरा शरीर भी है। मैं अपने में हो रही कल्पनाशीलता को देखकर, अपने में हो रही उन क्रियाओं को देखकर जिसमें शरीर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वो मेरे में निरंतर चल रही है, जितना मैं उसको अपने भीतर देख पाता मैं हूँ, ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन से ज्यादा एक्सपीरियंशियल कंक्लूजन मेरे भीतर बनता है, अन्यथा बहुत सारा मैं लॉजिकली इसको कंक्लूड करता रहता हूँ कि मैं हूँ लेकिन वो मेरे जानने तक नहीं आ पाता, तो सारा लॉजिकल कंक्लूजन मानने तक बना रहता है, लेकिन जब भी अपने भीतर अपने हो रही कल्पनाशीलता को देखता और एक्सटर्नल जो मेरे शरीर की इंद्रियां है उससे कोई इनपुट लिए बगैर भी वो सब अपने भीतर चल रहा है देख पाता हूँ और उससे मैं आराम में हूँ, बेचैन हूँ, ये सब देख पाता हूँ, एक बहुत बड़ी दुनिया, एक बहुत बड़ा संसार बॉडी के बियॉन्ड अपने भीतर सेल्फ के रूप में जो है उसको एक्सपीरियंस कर पाता हूँ। तो धीरे धीरे इस बात पर और मेरे अंदर आश्वस्ति बनती है कि जिस ये शरीर भी है और मैं भी, ये दोनों ही वास्तविकताएं हैं और दोनों में कुछ ट्रांजेक्शंस चल रहे हैं जिसका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। एक बार इस दोनों मुद्दे पर ध्यान जाता है कि मैं भी हूँ शरीर भी है तो धीरे धीरे और भी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान जाता है कि फिर जीना कौन चाहता है, शरीर जीना चाहता है मेरा या मैं जीना चाहता हूँ, ये जीने की है ना चाहना किसमें है, शरीर में या मेरे में। तो धीरे धीरे इसको जब और गहराई से ध्यान देके देखता तो हाथ पैर नाक कान आंख त्वचा इन सब में जीने की चाहना नहीं बल्कि मेरे में मेरे सेल्फ में जीने की चाहना है, मैं जीना चाहता हूँ और उस क्रम में शरीर का
साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। उस क्रम में जो सही समझ सही भाव मेरे में आवश्यक है, उस क्रम में शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ये दिखता है कि मैं सिर्फ जीना ही नहीं चाहता बल्कि मैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहता। और सेल्फ में जो निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीने की चाहना है, उसके साथ साथ शरीर का है ना पोषण हो सके, संरक्षण हो सके, सदुपयोग हो सके, उसके लिए सुविधा की आवश्यकता है, उस पर भी मेरा ध्यान जाता है, अर्थात मेरे सेल्फ का ध्यान जाता है। जितना भी मैं सही को समझ पाता हूँ, सेल्फ को, शरीर को, उससे मेरा इस बात पर भी ध्यान जाता है कि ये शरीर भी है, मैं शरीर का साधन की तरह प्रयोग कर रहा हूँ और निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जो जीना चाहता उस क्रम में शरीर का पोषण करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना ये मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए जो सुविधा की आवश्यकता है उसको पहचानना और उसको श्रम पूर्वक पूरा करना ये मेरी जिम्मेदारी है, उसको भी पहचान पाता। थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ तो ये दिखता है कि मैं निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जी सकूं, उसके लिए चार स्तर की व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना मेरा कार्यक्रम है सुख निरंतर सुख के लिए। तो चार स्तर को भी कई बार हम लोग चर्चा करते हैं, आपके ध्यान में है ही, मानव, परिवार, समाज, प्रकृति और अस्तित्व। एक लाइन में कहें तो स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना मेरे निरंतर सुख पूर्वक समृद्धि पूर्वक जीने का कार्यक्रम है, ये मैं देख पा। जब इस पर ध्यान जाता है तो ये भी दिखाई देता है ये जो सुविधा चाहिए शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए, तो उसके लिए सुविधा का उत्पादन करना, सुविधा का संरक्षण करना और सुविधा का सदुपयोग करना, ये तीन तरह के कार्यक्रम है। शरीर की आवश्यकता के पोष शरीर के लिए आवश्यक सुविधा के शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए आवश्यक सुविधा का उत्पादन करना, उत्पादित सुविधा का संरक्षण करना और जो सुविधा संरक्षित करके मैंने रखी है उसका सदुपयोग करना, ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लेकिन संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है मेरी जिंदगी का। महत्वपूर्ण तो है लेकिन संपूर्ण नहीं। संपूर्ण कार्यक्रम क्या है? ये चार स्तर की व्यवस्था को समझना और व्यवस्था में जीना ये मेरी जिंदगी के निरंतर सुख के लिए संपूर्ण कार्यक्रम है। उसमें एक महत्वपूर्ण भाग कार्यक्रम का ये भी है कि जो शरीर के लिए पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए सुविधा की आवश्यकता है उसका उत्पादन करना, उसका संरक्षण करना और उसका सदुपयोग करना। और ये जो कार्यक्रम है ये मेरी जिंदगी का संपूर्ण कार्यक्रम नहीं है बल्कि लगभग मेरे संपूर्ण कार्यक्रम का एक चौथाई भाग है या उससे भी कम। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न हम सबके लिए जरूर खड़ा होता है कि आज के दिन हम सुविधा के उत्पादन और संरक्षण और सदुपयोग, इन तीनों के अलावा और क्या जिंदगी में कार्यक्रम बनाए, या जो भी कार्यक्रम बनाए हुए हैं इन है ना वो सुविधा के उत्पादन, संरक्षण और सदुपयोग में प्रतिदिन का या प्रति सप्ताह का या प्रति माह का या प्रति वर्ष का एक चौथाई समय उसमें हम लगा रहे हैं या ज्यादातर समय इसी में लग जा रहा है, और ये जो अपने से लेके संपूर्ण अस्तित्व तक को समझने का काम था, वैसा भाव विचार अपने में सुनिश्चित करने का काम था, कहीं वो इग्नोर हो जा रहा है, ये अपने भीतर ऑब्जर्व करके देखने की आवश्यकता है। एक बार इन बिंदुओं को और अपने अंदर ध्यान देते हैं तो ये दिखाई देता है कि मैं ही दृष्ट, ये जो सेल्फ है वही दृष्टा है, वही कर्ता है, वही भोक्ता है, शरीर का तो साधन की तरह मैं प्रयोग करता हूँ। तो मैं दृष्टा हूं का आशय क्या है उस पर और डिटेल आगे बात करेंगे लेकिन यहाँ बहुत ब्रीफ में मैं बात रख देता हूँ। तो ये दिखता है कि आंखों से मैं बाहर से बहुत सारी सूचनाएं ले रहा लेकिन आंखें देख रही हैं ऐसा है, या आंखों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं उसको तो मेरा सेल्फ रीड कर रहा है तब मुझे कुछ दिख रहा है। इस पर आज ध्यान देके देखेंगे।
पता लगता है कि आंखों के ऊपर तो बहुत सारी चीजों का दृश्य बनता है, लेकिन दिखाई वही देता है जिसको देखने का डिसीजन सेल्फ लेता है। तो आप जहां भी बैठे हैं, अगर एक बार सामने की दीवार पर देखेंगे तो बहुत सारी चीजों का चित्र बनता हुआ आप पाएंगे, या बाहर खिड़की से देखेंगे तो बहुत सारी चीजों का चित्र आपकी आंखों पर बनता है। लेकिन उस चित्र में से जिस भी स्पेसिफिक को आप देखने का निर्णय लेते हैं वो आपको साफ साफ दिखता है, उसके बारे और बहुत सारे विचार चलने लगते हैं, बाकी चीजें ब्लर होने लगती हैं। और भी इसको आगे विश्लेषित करेंगे जब हम लोग बड़े हों, तो इस तरह से हम इसको देख पाते हैं कि आंखों से तो सूचनाएं आती हैं, लेकिन देखने का जो तो मुख्य काम है वो तो सेल्फ में होता है। एक बार आंखों से सूचना आ गई, अब आंखों को हम बंद भी कर लें तो भी उस वस्तुओं को, वास्तविकताओं को देखने का काम भीतर जारी ही रहता है, चलता ही रहता है। तो आंखों से सूचना है तो हम समय समय पर लेते हैं, लेकिन उनको देखने का, उनको विश्लेषित करने का, उसको और गहराई से समझने का, सारा सारा काम भीतर चलता ही रहता है। करता भी अगर देखने जाए तो सेल्फ है। किस अर्थ में कह रहे हैं कि सेल्फ करता है? हमने जो कुछ भी बाहर से सूचनाएं ली या पहले से हमारे भीतर कल्पनाशीलता में कुछ चल रहा है, अब बाहर की इकाइयों के साथ या स्वयं में क्या करना है उसका निर्णय हाथ ले रहे हैं, कान ले रहे हैं, नाक ले रहे हैं, सेल्फ लोगों की ब्रेन ले रहा है ना, या सेल्फ ले रहा है। ये हम अपने भीतर जब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि दूसरे के साथ क्या भागीदारी करनी है, सम्मान के भाव के साथ या अपमान के भाव के साथ। ये निर्णय तो सेल्फ में ही हो रहा है। फिर जब सम्मान के साथ भागीदारी करनी है या अपमान के साथ, तो उसके लिए विचार को फैलाना है कि इस तरह से सम्मान व्यक्त होगा, कि उस तरह से, कि तीसरे तरह से। ये भी निर्णय सेल्फ में ही हो रहा है। फिर उन सब में से किसी एक का सिलेक्शन करके बाहर व्यक्त होना, ये निर्णय भी सेल्फ में हो रहा है। तो ये सारे निर्णय तो सेल्फ में हो रहे हैं। फाइनली जब सब निर्णय हो जाता है तो ब्रेन के माध्यम से शरीर के अंगों द्वारा बाहर वो एग्जीक्यूट कराया जाता है, तो बाहर वो व्यक्त होता है। तो धीरे धीरे ये ध्यान जाता है कि दृष्टा भी मैं ही हूँ, कर्ता भी मैं ही, और जो कुछ भी कर रहा हूँ फाइनली उसका जो वो लौट के उसको मैं रीड करता हूँ, उससे या तो हार्मनी में जाता हूँ या डिसहार्मनी में जाता हूँ। हार्मनी में जा रहा हूँ उसी को कह रहे हैं सुख, डिसहार्मनी में जा रहा हूँ उसी को कह रहे हैं एक्साइटमेंट या बेचैनी। उस दृष्टि से बाहर चाहे जो उपलब्धि हो, मैं बहुत मेहनत से नौकरी कर रहा हूँ, बहुत सारा धन मिल रहा है, बहुत सारा घर बड़ा बड़ा बन रहा है, बहुत सारी सुविधाएं जुटा ले रहा हूँ, ये बाहर कुछ उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि को मैं कैसे देख रहा हूँ उसके आधार पर मेरे अंदर हार्मनी या डिसहार्मनी होती है। अर्थात मैं सुखी होता हूँ या बेचैन होता हूँ, या आवेशित होता हूँ, बेचैन हूँ या आवेशित हूँ, या फिर हार्मनी में हूँ। तो इसको जब कनेक्ट करके देखता हूँ तो पता चलता है एक उपलब्धि तो बाहर हो रही है, एक उपलब्धि भीतर हो रही है। बाहर चाहे जो उपलब्धि होती रहे, ये भीतर की ही उपलब्धि फाइनली सुखी हो कि दुखी हो उससे तय होता है। तो अंततो गत्वा ये बात ध्यान में आती है कि भोग तो सेल्फ रहा है ना, तो भोगता सेल्फ है। तरह से जब मैं अपने भीतर देखने की कोशिश करता हूँ तो ये पता लगता है कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। शरीर का एक साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। इसको और डिटेल चर्चा करेंगे आने वाले सत्रों में। अभी हम लोग अभी 5 मिनट ये जो 4 बिंदु चर्चा किए हैं अपने बारे में, उस उन बिंदुओं का स्वयं में ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इन सभी चारों बिंदु, पांचों बिंदुओं पर। तो अगले 4-5 मिनट मैं अपने तरफ से कुछ बात नहीं रखूंगा। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। अभी जी ये ऑब्जर्वेशन मेरा एक प्रश्न ये बनता है कि जी मैं दृष्टा, कर्ता और भोक्ता, तो उसे जो दृष्टा और कर्ता तो समझ में आता है, लेकिन जो भोक्ता वाली बात है तो जी फिजिकल फैसिलिटीज वगैरह जो है, खाना पीना पहनना, वो सब बॉडी के लिए, तो जी भोक्ता बॉडी हुआ या मैं हुआ, वो थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, तो उसके थोड़ा स्पष्टता करेंगे। जी तो अगर देखेंगे तो आपने कोई भोजन लिया, वो भोजन तो शरीर में गए और शरीर उसको पचाएगा, उससे या तो उसका पोषण होगा या शोषण होगा, तो ये बात तो ठीक है। लेकिन वो जो भोजन आपने लिया उससे आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे,
ये तो सेल्फ में हो रहा है या बॉडी में हो रहा है? वो सेल्फ में हो रहा है। उस अर्थ में जो सुख दुख भोगने वाला है वो तो सेल्फ, बॉडी तो सूचना दे देगी आपने ओवर ईटिंग कर ली। अब बॉडी में ओवर ईटिंग हुआ है लेकिन उसका दुख कौन भोगता है, बॉडी या बराबर सेल्फ? बराबर, मैं वो सेल्फ बोलते हैं। तो सेल्फ ही भोगता है ना। बॉडी आपके स्वस्थ है उसका सुख भी कौन भोगता है? सेल्फ भोगता है, बॉडी से सूचनाएं राइट, सेल्फ तक आ जाती है। इस अर्थ में बराबर। कह रहे हैं कि जो भोगता है वो तो अगर मैं सर सही समझा तो जो फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकली जो हम भोगता कर रहे हैं वो बॉडी कर रहा है, लेकिन उसकी जो फीलिंग जो क्रिएट हो रही है उसका भोगता सेल्फ है। एम आई राइट? उसको इस ढंग से कहें कि जो भी फिजिकल जड़ वस्तुएं मटेरियल वस्तुएं हम इनटेक ले रहे हैं वो बॉडी तक आ रहा है, उससे बॉडी उसके साथ पहचानना निर्वाह करना कर रहा है, रिकग्निशन फिलते हुए। तो एक तरह की सुविधाएं ले रहे हैं तो बॉडी पर एक तरह का प्रभाव पड़ रहा है, दूसरे तरह की ले रहे हैं तो दूसरे तरह का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उससे सुखी दुखी होने का जो काम चल रहा है वो तो सेल्फ चल रहा है। बराबर, नहीं समझ गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरे एक्यूमुलेशन के बारे में। जी, जो जो फिजिकल फैसिलिटी का एक्यूमुलेशन तो समझ में आ गया, और नॉलेज का जो एक्यूमुलेशन कर रहे हैं वो सही है या क्या है, उसके बारे में थोड़ा अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। करेंगे चर्चा उस पर आगे। और भैया बस खाली इतना ध्यान दिला दूंगा उसमें कि एक्यूमुलेशन सूचनाओं का कर रहे हैं कि नॉलेज का कर रहे हैं, उस पर और थोड़ा देखना पड़ेगा। जी हाँ, वो समझ गया समझ गया। नहीं, आपकी इंडिकेशन समझ में आ गया। ठीक है, आभार, जी लेकिन नॉलेज थैंक यू। होगा तो उसमें एक्यूमुलेशन मुद्दा नहीं है, फिर तो हम शेयर ही करते हैं उसको, है ना। सूचनाओं को भी मनी से जब जोड़ लेते हैं कि ये सूचना बाहर शेयर करे उससे मनी मिले तो फिर वो सूचना ही है, नॉलेज तक फिर मामला पहुंचा नहीं। बाकी डिटेल बातें आगे करेंगे इस पर भैया। सूचना और समझदारी का डिफरेंस समझना है ना। जी, एग्जैक्टली जी जी समझ गया। ओके ओके, थैंक यू। जी। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया। सभी को नमस्ते। मेरा प्रश्न शरीर और स्वयं के संबंध में है। जैसे ये जो संपूर्ण प्राणी जगत है, संपूर्ण प्राणी जगत में जितने जीवित प्राणी हैं वो सभी एक शरीर और एक चेतन इकाई के साथ हैं। जी भैया, आप प्रश्न पूरा कर ले फिर मैं उस पर रिस्पॉन्स अच्छा, तो कर दूँ। मैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे शरीर जितने भी प्राणी जगत हैं उसमें चाहे पशु हैं, पक्षी हैं या फिर और भी जीव जंतु हैं, वो सभी का एक शरीर है और सभी एक जीवित हैं। तो इसका मतलब उनमें जड़ इकाई भी है और एक चैतन्य इकाई भी विद्यमान होनी चाहिए। तो अगर चैतन्य इकाई विद्यमान है तो हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं, ये हम मानव के चैतन्य इकाई की क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। तो शरीर जो बाकी जो जीवित प्राणी हैं उनकी चैतन्य इकाई में कौन सी क्रियाएं चलती हैं? ठीक है, मैं डिटेल चर्चा तो आगे इस पर करेंगे क्योंकि समय हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इतना इनपुट दे देता हूँ कि आप इसके उत्तर तक पहुंच जाएं। तो ठीक ढंग से देखेंगे तो मानव या बहुत सारे जो पशु पक्षी हम जो हमको या कीट पतंगे दिखाई दे रही हैं वो जीवित प्राणी हैं, ये किस आधार पर तय हो रहा है? तो उनमें कुछ, आप ये कहेंगे कि उनमें कुछ श्वसन प्रश्वसन चल रहा है, एक तरह के गैसेस को इनटेक कर रहे हैं दूसरे तरह के गैसेस को छोड़ रहे हैं। तो जिनमें भी ये श्वसन प्रश्वसन चल रहा है आप उसको कह रहे हैं कि वो जीवित प्राणी है। उसको जब देखने जाएंगे तो ये श्वसन प्रश्वसन पेड़ पौधों में भी चल रहा है, कीट पतंगों में भी चल रहा है, पशु पक्षियों में भी चल रहा है। तो उसके आधार पर एक वर्ग है सजीव वर्ग और एक वर्ग है निर्जीव वर्ग, इस तरह से कैटेगराइजेशन तो करना ठीक है। लेकिन और जब गहराई से देखने जाएंगे तो सेल्फ और बॉडी का अध्ययन करते समय चार तरह की मुद्दों पे और बात हुई, जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना। तो पहचानना, निर्वाह करना तो देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु में भी चल रहा है, क्लोरीन परमाणु में भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे को पहचान के निर्वाह करके HCl बना ले रहे हैं, है ना। पहचानना, निर्वाह करना पेड़ और मिट्टी में भी चल रहा है ना। लेकिन ये जो जानना मानना है ये कुछ स्पेसिफिक इकाइयों में ही चल रहा है ना, कुछ इकाइयों में मानना है, कुछ इकाइयों में मानना के साथ साथ जानना भी। तो जिन जिन इकाइयों में ये जानना मानना हमको दिखाई दे रहा है उन्हीं में सेल्फ है, बाकी में सिर्फ जड़ संसार की तरह पहचानना निर्वाह करना चल रहा है, विद है ना श्वसन प्रोसेसन या विदाउट श्वसन प्रोसेसन। तो जैसे पेड़ में देखें
तो उसमें पहचानना निर्वाह करना के तरह स्वस्थ श्वसन प्रश्वसन चल रहा है, बट पेड़ में बहुत मानने की क्रिया नहीं दिखाई देती है। लेकिन आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, उसमें मानने की क्रिया दिखाई देती है, तो आपको कुछ और मानता है और लोगों को कुछ और मानता है, घर में चार लोग हैं चारों के बारे अलग अलग मान लेता है, तो ये मानने की क्रिया दिखाई देती है। लेकिन पेड़ के साथ देखेंगे तो मानने की क्रिया नहीं दिखाई देती, मच्छर के साथ मानने की क्रिया नहीं दिखाई देती, मक्खी के साथ मानने की क्रिया नहीं दिखाई देती। तो आपने कुत्ता पाला है, वो मानता है कि भूखा से भूखा मर जाए लेकिन आपका खून नहीं पिएगा, आपको नहीं काटेगा, लेकिन मच्छर में ये मानना नहीं है। आप ही के घर में पैदा होता है, आप ही के घर में पलता है, आप ही के घर में उसकी पीढ़ियां मर जाती है, लेकिन फिर भी वो आपके खून को लेता ही है ना। ऐसा कोई स्पेसिफिक मानना नहीं है उसका कि मैं अपनी खून की जरूरत को दूसरों के शरीर से पूरा करूं जिनके साथ मैं नहीं रह रहा हूँ, ये तो मेरे अपने। तो धीरे धीरे इसका अध्ययन करेंगे भैया। तो अभी जो किसी में सेल्फ है या नहीं है, उसका जो आधार हम ये बना रहे हैं कि उसमें एक तरह का श्वसन प्रोसेसन चल रहा है, उससे थोड़ा और ऊपर उठ करके देखेंगे कि ये जानना महना मानना एक आधार है जिसके आधार पर मैं चैतन्य है या नहीं है उसका निर्धारण कर सकता हूँ। तो इसके माध्यम से थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, आगे चलेंगे भैया तो उस पर और डिटेल चर्चा करें। अभी अभी रोक लेते हैं। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।